अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जो है अपना टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 1 का फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 1.2 बेसिक डेफिनेशंस जो है वो करने जा रहे हैं। बेसिक डेफिनेशंस में हमारे पास डिफरेंट जो है वो डेफिनेशंस हैं, मैटर की है, सब्सटेंस की है, मिक्सचर की है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की है। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन के हमारे पास ये सारी की सारी डेफिनेशंस क्या हैं और ये क्या कहती हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इनको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास बेसिक्स डेफिनेशंस में हमारा जो टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे, नंबर 1 है हमारे पास मैटर। अब मैटर जो है इसको हम बहुत ज़्यादा लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, इसको फैमिलियर आप हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे इसके कि मैटर जो है वो क्या चीज़ है। मैटर जो है पिछले सारे लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर जो है हमारे पास हर वो चीज़ जो जगह घेरती है। सपोज मैं जिस चेयर पर बैठी हुई हूँ उसने भी जगह घेरी हुई है, उसका वजन भी है। मैं जिस टेबल पर बैठ के लिख रही हूँ, मैं ये कॉपी है मेरे पास, ये मेरे पास पेंसिल है, मेरे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं मस्त हुआ एयर के जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो हमारे पास वजन भी रखती हैं और उनका वॉल्यूम भी होता है, और यानी कि वो जगह भी घेरती हैं। तो वो सारी की सारी मैटर की डेफिनेशन यही है कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है या फिर वो वजन रखती है, मींस कि उसकी मैस होती है, वो मैटर कहलाती है। मैटर जो है हमारे पास चार फॉर्म्स में होता है। हमारे पास मैटर जो है वो लिक्विड, सॉलिड एंड गैस एंड प्लाज्मा फेज में होता है। प्लाज्मा फेज को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है। तो स्टूडेंट्स लिक्विड की अगर हम बात करें मैटर में, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं या लिक्विड जो होता है उसमें क्या होता है, वो स्पेस तो ऑक्यूपाई करता है लेकिन उसकी कोई डेफिनेट जो है वो वॉल्यूम नहीं होती। वॉल्यूम होती है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती उसकी। उसका क्या होता है कि जिस कंटेनर में हम उसको डालते हैं वो वैसा ही हो जाता है, और उसके पार्टिकल्स के उमंग जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। एज़ कम्पेयर टू गैसेस स्ट्रांग होती हैं लेकिन सॉलिड से लेस जो है वो स्ट्रांग होती हैं। इसके अलावा जब हम बात करें गैसेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, गैसेस में हमारे पास पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, और इनके दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। और ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इनको जिस कंटेनर में डाला जाता है उसकी वॉल के साथ ये क्या करते हैं, मुसलसल जो है वो कोलाइड करते रहते हैं। गैस के पार्टिकल जो है मुसलसल मूवमेंट करते रहते हैं और कोलाइड करते रहते हैं विद द वॉल ऑफ कंटेनर। अब बात करें सॉलिड्स की, तो इस टाइप का जो मैटर है इसमें हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स के दरमियान जो है प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि लिक्विड्स और सॉलिड्स की तरह रैंडमली जो है वो अरेंज होते हैं, पार्टिकल्स जो है रैंडमली अरेंज होते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है, प्रॉपर जो है वो अरेंजमेंट होती है जिसके थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल जो है वो अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात होगी मैटर की, बात हो गई है मैटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, मैंने थोड़ी डिटेल में आपको बता दिया कि किस किस तरह के मैटर्स की टाइप्स हैं और इनमें किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सब्सटेंस की बारी आती है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कि सब्सटेंस जो है हमारे पास ये क्या चीज़ है, यानी कि अब हम सब्सटेंस की डेफिनेशन जो है वो यूं कर सकते हैं कि अ प्योर पीस पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। यानी कि हमारे पास जो प्योर पीस ऑफ मैटर है उसको हम सब्सटेंस का नाम देंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास सब्सटेंस में होगा इसकी जो है एक तो इसकी सब्सटेंस में ये होगा कि इसकी कॉम्पोजिशन
भी स्पेसिफिक होगी, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी स्पेसिफिक होंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो है वो भी स्पेसिफिक होती हैं और फिक्स जो है इसके इसके जो एट सॉरी जब एक सब्सटेंस होता है तो उसके जो है एक प्रॉपर जो है उसमें परसेंटेज होती है, इस मॉलिक्यूल है या कोई भी कंपाउंड है तो उसके अंदर जो है एक परसेंटेज पाई जाती है, रेशो पाई जाती है, उनकी फिक्स जो है उनकी फिक्स कॉम्पोजिशन होती है। ऐसा नहीं होता कि इम्बैलेंस्ड होते हैं इनमें पार्टिकल्स जो है इम्बैलेंस्ड होते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रॉपर जो है प्रोपोर्शन होता है। सपोज हमारे पास मीथेन है, गैस है, हमारे पास ये क्या है, ये एक कंपाउंड है, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर जो है वो एक इसमें प्रॉपर जो है कॉम्पोजिशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें आयरन की बात करें तो ये हमारे पास एक एलिमेंट है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, प्योर होगा। इसको हम क्या नाम देंगे, सब्सटेंस का नाम देंगे। अगर हम बात करें मिक्सचर की बात करें तो सेकंड हमारे पास डेफिनेशन आती है मिक्सचर की। मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में हमारे पास जो चीज़ होती है उसमें कोई भी जो है परसेंटेज को या कॉम्पोजिशन को फॉलो नहीं किया जाता, उसमें जो होता है हमारे पास इम्प्योर मैटर होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को आप मिक्स करके एक मिक्सचर बना सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ की परसेंटेज या रेशो या कॉम्पोजिशन का ख्याल नहीं रखा जाता। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है वो वाटर है, हमारे पास वाटर है, वो भी हमारे पास सॉरी हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, लाइक हम शरबत बना लेते हैं, तो इसमें हमने क्वांटिटी का जो है वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया, हम जितनी भी चाहे शुगर डाल सकते हैं, जितनी भी चाहे हम लोग जो है इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं, जितना भी है हम इसमें जो शरबत है हमारा, शरबत की कंटेंट्स हैं वो डाल सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट टाइप के ये जो सोप्स के सॉल्यूशन होते हैं, डिफरेंट टाइप के मिक्सचर होते हैं, पेंट्स के मिक्सचर होते हैं, इस तरह से जितनी भी हमारे पास मिक्सचर हैं, जैसे सोडा बॉटल होगी, सोडा टाइप बॉटल्स हो गई, ये हमारे पास हैं, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास ये वाइट वॉश का सलूशन हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं, या कोलाइड्स जो हैं, जितने भी कोलाइड्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, हमारे पास मिक्सचर में हो जाते हैं, जिसमें प्रॉपर प्रोपोर्शन नहीं होता, कंपोनेंट्स का प्रोपोर्शन नहीं होता, उसको हम मिक्सचर का नाम देते हैं। अब मिक्सचर जो है होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो जाते हैं। अब होमोजीनियस से मुराद ऐसे मिक्सचर हैं जिनमें जो है कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, हैविंग सेम फेज, फेज वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आई, नेकेड आई यानी कि सेम फेज में होते हैं, इतने मिक्स होते हैं कि हमें जो है ये आम आंख से या माइक्रोस्कोप के बगैर जो है हम इन्हें नहीं दे सकते। दूसरी हमारे पास जो है हेट्रोजीनियस टाइप है मिक्सचर की, इसमें क्या होता है, हेट्रोजीनियस में ये होता है, हेट्रोजीनियस में पार्टिकल जो है वो सेम फेज में नहीं होते, पार्टिकल सेम फेज में नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कोलाइड्स की फॉर्म में आ जाते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनके कंपोनेंट्स को हम जो है वो नेकेड आई से भी देख सकते हैं, वो सेम फेज में नहीं होते, बल्कि वो जो है पार्टिकल्स की साइज इतनी होती है कि हम उन्हें आम आंख से नेकेड आई से भी विदाउट माइक्रोस्कोप जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं।